हाय हेलो गाइज वेलकम बैक टू द क्लासरूम द वे ऑफ सक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स देखो जो मैंने ओ ट्रिपल एससी आर आई अप्लाई करते एंड एग्जाम अपियर करते एंड जो मैंने सेफ स्कोर अच्छे मतलब कि 280-300 जनरल एंड आज पर कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ अच्छा सेफ स्कोर अच्छे आप जो मैंने सेफ स्कोर जानी ना तो प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देखा देखिए सेफ स्कोर के ओके फ्रेंड्स। तो जो मैंने स्किल टेस्ट प्रिपेयर होप रखते कि ना मुझे स्किल टेस्ट सिलेक्शन होगी तो जो मैंने स्किल टेस्ट प्रिपेरेसन करते तो से स्पेशल कहि आप स्किल टेस्ट जब प्रिपेरेसन करते तो भिडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखते हैं स्किल टेस्ट केमी प्रिपेरेसन करवा आवश्यक रही है एंड कौ टॉपिक की फोकस कर स्किल टेस्ट के टाइप क्वेश्चन आसे तो एवरीथिंग भिडियो में आपको कह रखी फास्ट टू शेष पर्यटन भिडियो देखो एंड चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाते लेटेस्ट अपडेट पाएंगे। ओके फ्रेंड्स तो चलते स्टार्ट कर फर्स्ट भिडियो कि आप देखो एम एस ऑफिस स्किल टेस्ट जो मैंने अपियर करेंगे तो से फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल टेस्ट मीन आप कंप्यूटर में किसी काम दिखाई ओके कंप्यूटर का काम देवा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल तीनो जिनस माइंड के आस गए एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस कौन कौन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था एंड अनदर इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर पॉइंट से विशेष क्वेश्चन आसो ना तो या को इंपोर्टेंस देवा उचित नुहे बिकॉज ऑफ इटर विशेष किसी काम न था आप ऑफिशियली जो मैंने स्लाइड स्लो करा जाए किसी डिजाइन करा जाए तो एवरीथिंग वर्ड रे भी पॉसिबल हो पाए कि पावर पॉइंट रे सेते क्वेश्चन आसे ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोस्ट क्वेश्चन आसी जीवो एम एस वर्ड। ओके तो एम एस वर्ड जितक आप कवर करेंगे तो से टाइम आप कौन करेंगे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त कही रखुच्छी आपड़े एम एस वर्ड करुँचर किसी ओपन कलापर कि टैब आसे टूल बॉक्स आसी थाए जितने एम एस वर्ड आप ओपन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप आसवि टोटल डेमो कर रखी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कही रखुच्छी आप जो मैंने प्रिपेरेसन कर तो यहाँ सीट जितने ओपन हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईडिया नबार अच्छे एम एस वर्ड जो सीटा आसे ओपन हुए कौन कह जाए टूल बॉक्स कौटी थे आप कौ टूल देखते आप किसी मेन्यू आसता है गोटे हूँ होम मेन्यू राइट तो होम मेन्यूर काम कौन था होम मेन्यू आप कौन कौन आसता है आपंकर जमी कहतु कि कौन गोटे आप लिखुं सपोज मुझ लिखी आर आई रेवेन्यू इन्स्पेक्टर रेवेन्यू लिखी। ओके तो रेवेन्यू को होम मेन्यू रे आपंकर इटालिक करेंगे बोल्ड करेंगे अंडरलाइन करेंगे वार्डटा को वार्डर साइज को बड़ सान जोटा कंट्रोल करेंगे जमीक आपंकर आर्टर स्टाइलटा को चेंज करेंगे एंड टोटल स्लाइडटा को आप किसी कलरिंग करेंगे तो ये सब जिन आसी था आपंकर होम मेन्यू रे। ओके तो टोटल गोटे गोटे मेन्यू को आप पढ़ु एंड प्रिपेरेसन से ही अनुसार करूँ स्किल टेस्ट पाई। ओके तो तापर आसीज आपर इनसर्ट मेन्यू तो इनसर्ट मेन्यू जितने आप कवर करेंगे तो इनसर्ट मेन्यू आप क्वेश्चन डायरेक्ट आसीज गोटे टेबुल टेबुल को आप केमती आड करेंगे गोटे वार्ड पेज रे आप टेबुल आड करेंगे। ओके तो ये टाइप रही क्वेश्चन आस तो टेबुल आड करेंगे मीनस इनसर्ट करेंगे तो आपको सही इनसर्ट मेन्यू को जाए पड़े तो इनसर्ट मेन्यू आप कौन कर कवर पेज थाए इनसर्ट मीनस कौन आप किसी इनसर्ट करेंगे किसी आड करेंगे तो इनसर्ट मेन्यू में आप टेबुल आड करेंगे पिक्चर आड करेंगे क्लिप आर्ट आड करेंगे सेप आड करेंगे देमती आप क्वेश्चन आसीज हेड एंड फुटर तो गोटे वार्डर गोटे आप पाराग्राफर हेडर देवे ऊपर हेडिंग देवे तो हेडर कह जाए तो हेडरटा कौन था इनसर्ट मेन्यू था फुटर इनसर्ट मेन्यू था पेज नंबर थाए टेक्स्ट बुक थाए क्विक पार्ट्स थाए वार्ड आर्ट गोटे आप वार्ड आर्ट कौन सपोज मुझे लिखुच एम एस वार्ड कहतु तो एम एस वार्डटा आप डिजाइन रहा दरकार यही भाया रहा दरकार आम जी आपर डिजाइनटा कर आर आई नयगढ़ तो सेमती तो एम एस वार्ड ये डिजाइनटा जो करिए फ्रेंड्स ये स्टाइल टी आपर वार्ड इनसर्ट मेन्यूर वार्ड आर्टर हो पार तो से आपर सिग्नेचर लाइन रही है इक्वेसनटा रही है सिम्बलटा रही है तो एवरीथिंग ये सब इनसर्ट मेन्यू आपर तो आपड़े प्रिपेरेसन करेंगे एम एस वार्ड रती मेन्यू देन आप पेज लेआउट तो पेज लेआउट ऑप्शन कौन था तो सेमती पेज लेआउट आप फॉन्ट चेंज करेंगे इफेक्ट करेंगे वाटरमार्क तो वाटरमार्क कौन सपोज यही जिनसटा अच्छी तो ये मुझे लिखी डी टू डी क्लासरूम। ओके डी टू डी क्लासरूम वाटर मार्क जमी पेज रे प्रिंट आउट कले यहाँ आसो जी कलर आपको नहीं आनीपर सपोज किसी लाइटिंग हवा दरकार ना से लाइटिंग हवा दरकार ना से क्लीयर भिजबल हवा दरकार ना वाटर मार्क। ओके तो ये सब जिन आसी था आप पेज लेआउट मार्जिनटा आसो पेज लेआउट किसी को आपको कह गए मार्जिन एति मार्जिन भितर रहा दरकार तो आप मार्जिन कौटी पाइबे पेज लेआउट तो मोटामोटी भाव में जब कह आपके एम एस वर्ड प्रिपेरेसन करेंगे टोटाल मेन्यू को तार फास्ट पढ़ू कौ मेन्यू में कौन कौन रही है एंड तार काम कौन फास्ट अफ अल्ल गोटे जिनस कह
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍, ତ ସୋ ଏଠି କୌଣସି ଟ୍ରେନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ପ୍ରତି ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତି ମେନୁକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ଅଛି ଆପେ ନଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତି ମେନୁକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଓପନ୍ କରିସାରିଲେ ପ୍ରତି ଲାଇନ୍ ଏଠି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ନା ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲି ଟାଇପ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଡ୍ ମେନୁ, ଇନସର୍ଟ ମେନୁ, ରେଫରେନ୍ସ ମେନୁ, ମେନୁ ମେନୁ ରିଭ୍ୟୁ, କ'ଣ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ, ତ ଏଇସବୁ ମେନୁ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ ନିଜେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରେ, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଏଇଟା ଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆ ଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନା ରହିଲା ଭୟ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖଉ ଯେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ କଲେ, ନିଜେ ଜାଣିଲେ କ'ଣଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟୋ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା କି ଏଇଟା କଲେ ଏଇଆ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ MS Excel। ତ MS Excelରେ ତ ଏକ୍ସେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଥାଏ। ଓକେ, ହୋମ୍ ମେନୁ ଥାଏ, ଇନସର୍ଟ ଥାଏ, ପେଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେଲରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଡାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ରିଭ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁ, ସବୁଥିରେ ରହିଛି। ତ ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଥାଏ ଅଟୋସମ୍। ତ ଫର୍ମୁଲାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏକ୍ସେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଏକ୍ସେଲ ଏମିତି ଘର ଘର ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଲ୍ ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ଥାଏ, କ'ଣ ନମ୍ବରିଂ ଥାଏ, ଉପର ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ A B C D ଏମିତି ଥାଏ, ତଳେ ସବୁ 1 2 3 4 5 ଏମିତି ଥାଏ। ତ ସୋ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଘରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ଘରଟା ମୋର ଦରକାର, ତ ଏଇ ଘରଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, B1, ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ B1, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଠି ମନେକର 5 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ ସମ୍ କରିବି ଟୋଟାଲଟାକୁ, ଏଠି ଟୋଟାଲ ମେଞ୍ଚାଏ ଥିବ। ତ କିପରି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ, ସମ୍ ମାନେ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ତ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସମ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ, C1 ସମେସନ୍ C3, ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍କୁ ପଳାଇବେ। ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ କଲେ, ଅଟୋ ସମୟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଟୋଟାଲ୍ଟା ସମ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। କୌଣସି ମଝିରେ କୌଣସି ସେଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟାକୁ ମାର୍ଜିନ୍ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏକ୍ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ସିଧାଟାକୁ କହିବା ଆମେ ରୋ। ଓକେ, ସିଧାଟାକୁ କହିବା ରୋ, ଡାଉନ୍ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଯଦି ଆସିବାକୁ କହିବା କଲମ୍। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆସିଥିଲା କି ରୋରେ ଲେଖିବେ ଟେବୁଲ, କଲମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚେୟାର। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ରୋ କେଉଁଟା, ଟେବୁଲ 1 2 3, ଚେୟାର 1 2 3, ତ ରୋ କଲମ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେଉଁ ରୋରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ମନେକର C5 ରୋରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, C5ର ରୋ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ C5 A1 2 3 4 ଆପଣ ରୋ ୱାଇଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ, ତ ଡାଟାଟା ରୋ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି କଲମ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିଥିବ, କଲମ ମାନେ ତଳକୁ, ତ ଏମିତି ଲେଖିବେ 1 2 3 4। ଓକେ, ରାଇଟ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମେନୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏକ୍ସେଲର ସିଟ୍ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ସିର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସି ସ୍କୋୟାରଟା ସେ କେମିତି କରିବ, ତ ସ୍କୋୟାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସି ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେଖି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଧରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ଧରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଏଇଟା କଲାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍କୋୟାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ କି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ କି ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ କିର ଟୋଟାଲ ସର୍ଟକଟ୍ କି MS ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଡେସ୍କଟପ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ ହେଇ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ, ତ ଏଭ୍ରି ସର୍ଟକଟ୍ କିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୱିଥ୍ D2T କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ପରେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ୟୁଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟ ହେଉ, ବ୍ରାଉଜିଂ କରିବା ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଇବା ହେଉ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏତିକି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ମେଲ୍।
जिमेल ओपन करवा जिमेल क्रिएट करवा मेल रे सेंड करवा तो यही सब जिनस जाणी आवश्यक सीसी कौन सी सेंड ऑप्शन सेंडर कौन तो यही सब जिनस जाणी आप दरकार केमी सेव करेंगे सेंड करेंगे गोटे मेल को केमती देते मेल कौन क्रिएट करवा केमती मेल को ओपन करवा केमती मेल व्यू करा केमती डिलीट करवा केमती तो यही सब जिनस मेल उपर आप ध्यान ध्यान होता दरकार तो फाइनली जिमेल तो समस्ते जानते जिमेल यूजेस समस्ते भी जानते करें जिमेल क्रिएट करवा हुए तो जदि भी कहीं जाणी ना क्रिएट कर जानतु ओके यूट्यूब अनेक भिड भी अच्छे अवेलेबल आप देखिपे अदरवैज मुझे आपको ट्राए करी करवाई ओके तो यूब जिन कर सारापर आप फास्ट फाइनाली कहीदेली टोटाल कंप्यूटर को जानवाक शिखत ओके आप्लिकेसन टाइप करूँ बिकज अफ टाइप कले कौन हम आपर कमा सेमी कोलोन देखते गोटे गोटे स्विच आप देखिए डट डबल थी देन सेमी कोलोन थी तो यूजेस कौन देख फ्रेंड्स उपरटा आपर सिफ्ट धरी कले ओके तो सिफ्ट धरिकी कले उपर लाइन जोटा जो थे डबल डबल थाए सपोज गोटे आप देखिए पाखे गोटे स्टार चिन्ह थी तो ये पिला कौन कहते स्टार्टा केमी व्यवहार करेंगे तो जोटा उपर को रही सी हूँ पे तुम सिफ्ट रईट सिफ्ट धरी कले जो स्विच गोटे की पैड दुटा थी से स्विच आपड़ी सिफ्ट धरवे देन से किटा चिपे तो तापर से कौन हम ऊपर जो सिंबलटी थी सहीटा आसीज पूरा क्लीयरली आपको मेनसन कर तो ये जिन सब प्राक्टिकली करूँ जापर ओके तो प्रति जिनस को आपू अनुसार प्रति जिनस को पूरा माइंडफुल बसतु पढ़ु जो मैंने प्रिपेरेसन कर तो यही टाइप रही क्वेश्चन आसूँ आ छड़ा किसी आसबना ओके तो मुझे आपको कही रखिली कौन कौन प्रिपेरेसन करेंगे तो आउ जदि भी किसी आपड़ किसी डाउट रोचे मुझे क्वेश्चन कहूँ देखो क्वेश्चन यही आसाला सेट द फॉन्ट साइज 22 मुझे आपको कहली फॉन्ट साइजटा कौट थाए आपणकर फॉन्ट साइज थाए होम मेनू इटालिक थाए होम मेनू आप स्टाइल चेंज करेंगे इटालिक बोल्ड तो होम मेनू आप जानी तो होम मेनू रेट आसूच करेंगे तो से कहली प्रति मेनू को चेक करूँ कौटी कौन रोच होम मेनू आप 22 आप डायरेक्टली 22 एंटर करेंगे जिते आपसी कौन ना होम मेनू पाखे आप सैज टी लिखा थी कौन फ्रेंड्स ये पूरा जहाँ भी सैज आप लेटर गोटे सैज्र नंबर थी आप चेंज करेंगे इटालिक आप आई सिंबल थी बोल्ड बी सिंबल थी अंडरलाइन यू तले लाइन थी ओके तो यू जिन प्रति मेन्यूर लिखा आप आराम से करेंगे देन आप आसाला गोटे वाटरमार्क करूँ कन्फिडेनसीआल लिखे तो गोटे पेज रे कन्फिडेनसीआल लिखा हम ओके तो यार डिटेल ये क्वेश्चन डिटेल्स पूरा व्यू करने तो सो नेक्स्ट वीडियो आपको कही रखी कमी आप सब जिन करेंगे तार प्राक्टिकल गोटे कराइने टिल देर आई होप कि समस्त डाउट क्लियर से यही भाया ही क्वेश्चन आसूँ ता छा कि देखो आप इनसर्ट द OSSC मतलब कि OSSC हेडर करवा हेड्रे रखिए ऊपर रखिए ओके तो हेडर केमती करेंगे तो एव्रीथिंग मुझे आपको प्राक्टिकल करने तो स्टेट यूनिट डीटीटी क्लासरूम एंड द वे ऑफ सक्सेस एंड आप नहीं आस नेक्स्ट वीडियो रे प्राक्टिकल सहित ओके तो टिल देन बाय बाय टेक केयर पुन देखा ना वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड चैनल सब्सक्राइब करें जमा रखें लेटेस्ट अपडेट पाई ओके थैंक यू टिल देन बाय बाय गुड नाइट।